कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था, मैं आपके साथ मतलब पिछले व्लॉग में बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग मेरा हाउस टूर का व्लॉग ही आएगा। सो मेरा हाउस टूर का व्लॉग फाइनली मैं अपलोड करने जा रही हूँ। सजा के नहीं अपलोड करने जा रही हूँ, एम्प्टी हाउस टूर शेयर करूँगी। सजा के अच्छे से फर्नीचर वगैरह सेट करके बहुत बहुत सारी चीज़ें लेनी बाकी है अभी। तो उन सबको लेने के बाद, सजाने के बाद बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस वो वाला व्लॉग तो बाद में शेयर करूँगी, लेकिन एम्प्टी हाउस टूर पहले आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये कौन से फेज में हम लोगों ने इस घर को खरीदा था। मतलब ये इंडिविजुअल हाउस है, चेन्नई में है, चेन्नई में रहते हैं हम लोग। लास्ट 8 ईयर से हम लोग चेन्नई में हैं। इंडिविजुअल हाउस है, ड्यूप्लेक्स 3 BHK घर है ये। एंड यहाँ पे बहुत सर, यहाँ की लोकेलिटी भी कोशिश करूंगी थोड़ी सी शेयर करने के लिए। 2 BHK एंड 3 BHK घर है यहाँ पे। मतलब सिंगल फ्लोर हाउसेस है, सारे के सारे इंडिविजुअल है। करीब 50 घर होंगे। बहुत कम घर यहाँ पे ड्यूप्लेक्स घर है 3 BHK, एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे घर यहाँ पे 2 BHK सिंगल अपार्टमेंट, सिंगल घर है, इंडिविजुअल घर है। एंड हम कौन से फेज में इस घर को लिए थे, मुझे याद है 8 मंथ्स में प्रेग्नेंट थी उस वक्त हम लोग यहाँ पे आए थे देखने के लिए। बहुत दूर पड़ता था, आने को पॉसिबल नहीं हो पाता था कैब में, वॉमिट होना, बट आए थे। वो एक अलग खुशी होती है ना घर आना। मैं जब भी इस घर के बारे में बात करती हूँ मेरा बड़ा इमोशनल लगता है। उस टाइम यहाँ पे आए हुए थे हम लोग, देखा था, मम्मी थी। एंड वो वाला वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरा बस पत्थर का बना हुआ था यहाँ पे। हम लोगों ने आके थोड़े बहुत चेंजेस करे हुए होंगे, बिल्डर्स का ऑलरेडी यहाँ पे प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें बन गई थी कि कहाँ पे क्या चीज़ें देनी थी। बस कुछ कुछ हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे करा हुआ था। एंड एक और चीज़ के ये सारे हमने, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने ये मुझे पूछा था कि आपने कैसे ये इंडिविजुअल घर बनवाया था, जिनको भी लास्ट वाले व्लॉग में पता था। तो ऐसा नहीं था, बिल्डर यहाँ पे सारे के सारे घर इंडिविजुअल थे, ये उन्हीं का प्लान था। हमने घर बनाने का प्लान हमने नहीं दिया था, ये घर की कंस्ट्रक्शन का ना प्लान उनका था। बस अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें कि हमको यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, किचन में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ एंड बेडरूम के कबर्ड्स वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस हुए, उस तरीके के चेंजेस हमने करा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, एक लाइक जरूर करना इस वीडियो को। एंड कमेंट में बताना, एक ड्रीम हाउस होता है ये हमारे लिए, स्पेशली हम दोनों के लिए, महेंद्र के लिए, मेरे लिए ड्रीम हाउस है। हमने सोचा था घर लेंगे, बट ऐसा घर लेंगे हमने नहीं सोचा था। बट मेहनत, हम दोनों की बहुत मेहनत है इसके पीछे, एंड बहुत बड़ा ये मांगी है इसके पीछे अभी दोनों को। तो चलो, एंड एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कितना घर है, क्या है, वो भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था। लेकिन पहले मैं शेयर कर देती हूँ इसका कैसे बना हुआ था सिर्फ, उससे पहले, उसके बाद में शेयर करती हूँ कितना स्क्वायर फीट का है, क्या है। तो मुझे याद है एकदम से दिसंबर आई थिंक 20 के करीब हम लोग यहाँ पे आए थे देखने के लिए ये वाला घर। उस वक्त यहाँ पे करीब 10-15 घर या फिर 20-30 घर यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका था। 10-12 घर पे लोग रहने आ गए थे। सो ये कंप्लीट एक, ये जो एरिया में है ना, ये लोकेलिटी है जहाँ पे एकदम से नए घर बने हैं, इंडिविजुअल हाउसेस बने हुए हैं सारे। कुछ 2 BHK, कुछ 3 BHK, कुछ ड्यूप्लेक्स बने हुए हैं, कुछ सिंगल इंडिविजुअल हाउसेस बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर बस है, फर्स्ट फ्लोर। एंड हम लोग जब देखने आए थे यहाँ पे, सो बस ऐसा ही वहाँ पे बना था। वैसे एक आउटर लेयर होता है ना, वो बिल्डर ने बनाया हुआ था। उनका एक इलेक्ट्रिक पॉइंट देने का, उन्होंने एक मतलब पॉइंट्स वगैरह देने के लिए उन्होंने एक मार्क रख दिया था। एक बात अच्छी हो गई कि हमने बहुत अर्ली स्टेज में ये घर हमने फाइनलाइज कर लिया, तो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हमने चेंज करवाए, बहुत सारे कबर्ड्स चेंज करवाए, किचन का थोड़ा सा शेप हमने चेंज करवाया, बहुत सारे चीज़ें चेंज कराए, बाथरूम में बहुत सारी जगहों में चेंज कराया। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन ये जो आउटर लेयर जो भी बना हुआ था ना, ये सारा कुछ बिल्डर का प्लान था। 3 साल से हमारी घर खरीदने की जर्नी चल रही है। पहले हम लोग बस सोच रहे थे, लेकिन लास्ट 2-3 साल से घर लेंगे, घर खरीदेंगे। बीच में कोरोना आ गया, तो थोड़ा सा आइडिया ड्रॉप हो गया। फिर जैसे थोड़ा सा ख़त्म हुआ, बहुत सारा अपार्टमेंट देखा, बहुत सारा घर देखा, फाइनली देखते देखते हमारा खुद का अपना ड्रीम हाउस, मैं बोलती हूँ क्योंकि यार सपना था हमारे लिए ऐसा घर लेना, वो कम्प्लीट हो गया है। एंड ये वाला घर जो रिकॉर्ड करा, 20 मई को हमने गृह प्रवेश करा था, उसका भी व्लॉग है चैनल पर, प्लीज़ ज़रूर देखना एक बार, बहुत प्यारा सा व्लॉग बनाया मैंने। एंड उसके आई थिंक 5-6 दिन पहले हमने क्लीनिंग करवाया था, तो उस दिन हमने रिकॉर्ड करा था। 12 बाय 19 फिट का ये बड़ा सा पार्किंग एरिया है, मतलब एक बड़ी कार,
दो बाइक यहाँ पे या एक साइकिल यहाँ पे आराम से फिट हो जाएंगे। एंड उसके बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस बच जाएगा। साइड से थोड़ा सा उन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि इंडिविजुअल हाउस है तो सारे घर के स्पेस छोड़े हैं साइड से। एंड पीछे की तरफ से भी एक बालकनी जितना स्पेस आराम से मिल गया। एंड जैसे ही साइड एंड फ्रंट में एक बड़ा सा विंडो था एंड उसके बाद एक डोर, ये डोर विंडो हैंडल्स लॉक सारा कुछ बिल्डर ने बहुत ही अच्छा सा सिलेक्ट करा उन्होंने, लेकिन उन्होंने खुद से ही सिलेक्ट करके उन्होंने सारा लगाया है इसमें, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद लेफ्ट साइड में ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है एंड वहाँ पे एक बाथरूम है। जैसे ही हम लोग पार्किंग डॉट से अंदर आते हैं उसके बाद यहाँ पे अगर राइट साइड देखो ना एक बड़ी सी यहाँ पे हॉल है। फॉल सीलिंग भी यहाँ पे जो हमने करवाया था वो भी बिल्डर ने ही करवाया था फॉल सीलिंग हमारा। एंड ये वाला जो इंटीरियर था जैसे होमलैंड से हमने ये इंटीरियर वगैरह सब कुछ कराया था। एंड हॉल का मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले किचन। किचन भी काफ़ी स्पेशियस किचन है। किचन का कंप्लीट टूर मैंने मेरे चैनल पे कौन से ड्रॉअर में क्या है कैसे बनाया है कैसे कितने फीट का है कैसे टाइल सिलेक्ट करा क्यों टाइल सिलेक्ट करा चिमनी के बारे में इन डिटेल्स मैंने सारा कुछ यहाँ पे शेयर करा हुआ है, उसका लिंक दे दूंगी, एक बार ज़रूर चेकआउट करना। प्रैक्टिकली मुझे जो लगा कि मैं किचन में हैंडल कर सकती हूँ मेंटेन कर सकती हूँ मैंने वैसे ही रखा है मेरे किचन को। हॉल में देखो तो ये एक विंडो इस वाले वॉल में एंड वहाँ पे फ्रंट एक बड़ी सी विंडो मिलती है एंड यहाँ पे एक आता है रूम बेडरूम। एंड ये अभी माही का बच्चों का बेडरूम होगा गेस्ट बेडरूम होगा कुछ भी पता नहीं है, लेट्स सी देखते हैं आगे क्या होता है प्लानिंग में। लेकिन ये भी काफ़ी स्पेसियस है लेकिन कंपैरेटिव ऊपर दो बेडरूम जो है ना उससे थोड़ा सा ये छोटा है। एक बड़ी सी विंडो है एंड यहाँ पे कबर्ड्स की पूरे घर में कबर्ड्स भरे पड़े हैं। लाइटिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छे से लाइट हवा बहुत अच्छे से आते हैं यहाँ पे, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। एंड कंप्लीट हॉल लुक अगर देखो तो ये है। एंड टीवी कैबिनेट के लिए हमने एक ऐसा एक सिंपल सा साइड में हम लोगों ने वो पूजा यूनिट बनवाया है। वो एंड एक और चीज़ कि एक सवाल था कितना स्क्वायर फीट का था क्या था, तो जो लैंड एरिया है वो 1100 स्क्वायर फीट है एंड जो बिल्डअप एरिया है जो ऊपर दो ड्यूप्लेक्स बना हुआ है 3 BHK वो 1900 स्क्वायर फीट का है, घर बना हुआ है। साइड में भी बहुत सारा जगह बचा हुआ है, थोड़ा सा हमने पीछे की तरफ से भी थोड़ा सा जगह रखा हुआ है क्योंकि इंडिविजुअल घर है ना तो जगह साइड से बच जाता है। पार्किंग हमारा बहुत बड़ा सा है सो उस हिसाब से काफ़ी स्पेसियस है। तो आप लोग बताओ देखो कैसा लग रहा है। हॉल से अगर लेफ्ट साइड में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे स्टेयर्स से ऊपर जाने के लिए एंड यहाँ पे पूरा हमने ग्रेनाइट का फ्लोरिंग करवाया है स्टेयर्स में एंड ऊपर वाले घर पे नीचे हमने टाइल्स करवाया था। जो स्टेयर्स के जो नीचे वाले साइड में जगह बचता है ना वहाँ पे वॉशरूम है एक छोटा सा एंड एक बड़ी सी विंडो इस वॉल पर है तो लाइट तो प्रॉपर आती है बहुत अच्छे से, लेकिन वो विंडो हम लोग ओपन नहीं करते बहुत धूल आ जाएगी। बस एक ग्लास कट विंडो लगाया हुआ है वहाँ पर फिक्स हो गया है। ऊपर आने के बाद ऊपर का फ्लोरिंग जैसे कि मैंने बताया ग्रेनाइट था, नीचे का हम लोग ग्रेनाइट भी करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा बिल्डर ने मना करा कि नीचे फ्लोरिंग ग्रेनाइट मत करो तो हमने वो वाला आइडिया ड्रॉप कर लिया। एंड यहाँ पे है फर्स्ट बेडरूम, तो ये वाला शायद किड्स का बेडरूम होगा। इसका कलरिंग जैसे अभी वाइट है, अभी ये वाइट नहीं है, हमने एक लाइट सा जैसे बहुत ही बेबी पिंक कलर है ना एक वो जो लाइट है बार लाइट लगा हुआ है ना वहाँ पर हमने उस वाले वॉल पर करा था जस्ट पूजा के गृह प्रवेश के 3 दिन पहले ऐसा कुछ करा था हम लोगों ने। एंड यहाँ पे भी काफ़ी स्पेसियस है, बड़ी सी यहाँ पे एक विंडो है एंड एक बालकनी दिया गया है जो कि अटैच है इस वाले बेडरूम से। यहाँ पे अगर डोर ओपन करते हैं ना तो ये बालकनी भी बहुत छोटा सा नहीं है एंड बहुत ही बड़ा बालकनी नहीं है, एक मीडियम साइज़ का बालकनी उन्होंने प्रोवाइड करा है। ग्रीलिंग उन्होंने करवा दिया था बट बाद में हम लोगों ने यहाँ पे उनको बोल के ऐसे स्लाइड वाले डोर्स फिट करवाए। रीज़न ये था कि अगर आपने स्टार्टिंग से नोटिस करा होगा हमारे घर के सामने एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक पोल है जो कि बहुत ही मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, छोटे बच्चे हैं कभी कुछ गिरा देंगे लगा देंगे वो डर की वजह से हमने पूरा कवर कर दिया है स्लाइडिंग डोर से, तो अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग स्लाइड हटा सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको ऐसे ही कवर करके रखेंगे हम लोग। एंड अभी हम लोगों ने उसको पूरा ग्रिल करवा दिया है बाद में आने के बाद क्योंकि बच्चे बिल्कुल रुक नहीं रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे एक हॉल है बड़ा सा, बहुत बड़ा सा हॉल है एंड उसके बाद यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है।
तो फाइनली ये है मास्टर बेडरूम एंड पूरे घर का ना फिनिश कोट, जो फिनिशिंग कोट है वो होना बाकी था पेंट का, तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स दिख सकते हैं एंड 2-3 दिन बाद हुआ था इसके बाद। कलर मैंने बहुत बेसिक सा कबर्ड के लिए कलर्स चूज़ करा था, लेकिन पेंटिंग में वो वाला भैया थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, वो आपको बाद में ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। एंड ये सारे जो भी इंटीरियर का काम था होमलाइन से करवाया था, बहुत अच्छे से उन्होंने करके दिया। बट येस कॉस्ट थोड़े से ज़्यादा होता है उनका होमलाइन से, बट यहाँ पे एक स्टडी यूनिट बनवाया है एंड यहाँ पे पूरा हमने कवर्ड कर दिया है, क्योंकि स्पेस जितना होना उतना हमें कम ही लगता है कि क्योंकि बड़े बच्चे होंगे, ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा सोच के बनाया है। बच्चों का रूम कौन सा होगा क्या होगा अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। एंड मास्टर बेडरूम से निकलते ही ना ये जो स्टेयर्स है ऊपर की तरफ जाता है, तो बस ये है कंप्लीट हाउस टूर। आई होप आप लोगों को हमारा ये घर अच्छा लगा होगा। लास्ट 3 साल से हम लोग घर देख रहे थे, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हम लोगों ने देखा कि 2 BHK 3 BHK, छोटे सा कम्युनिटी, गेटेड कम्युनिटी, बहुत बड़ा सा गेटेड कम्युनिटी, बट ऐसा फील नहीं हुआ था। लेकिन थोड़ा सा था हमको कि इंडिविजुअल हाउस ही लेना है, सो फाइनली ये हो गया। मुझे थोड़ा सा होता था कि अपार्टमेंट में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखने के बाद ये घर हमें बहुत पसंद आया। बट बहुत मतलब बोलते ना कि इतने सालों की मेहनत को यहाँ से जोड़ के फाइनली बनाया है, एंड आगे बहुत मेहनत लगेगी इस घर को अपना करने के लिए। एंड बड़ा सही है माई चुकाते चुकाते, बट प्लीज़ ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा कि ये घर में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज बन जाए इस घर का। अच्छे से टूर से जाके होम टूर में आई एम नॉट श्योर मैं इतनी जल्दी आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एंड बट व्लॉग्स मेरे फॉलो करते रहिएगा एंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं बड़ी मेरे को बड़ी बड़ी आंसू आ रही है वीडियो शूट करते टाइम। बस एक प्रे मैं करती हूँ कि जितने लोग चाहते हो ना अपना अपना एक घर हो जाए, सबका एक ड्रीम होता है अपना एक ड्रीम हाउस बनाने का, छोटा बड़ा 2 BHK 1 BHK 3 BHK, एक मैं प्रे करती हूँ सभी के वो घर वाला सपना ज़रूर पूरा हो जाए। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।